I'm saying that Dennis wins 4-0. It's fucking uneventful. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू KSF एकेडमी, आपके अपने आम रेसलिंग हिंदी न्यूज़ चैनल में। तो आज के न्यूज़ में हम ये शेयर करेंगे कि ट्रेविस बेजेंट ने अपना प्रिडिक्शन दिया है डेनिस और डेविन के मैच के लिए। उन्होंने तो सीधा सीधा डेनिस को बताया है कि वही क्लियरली जीतने वाले हैं 4-0 से, और उन्होंने एक मैच का भी कंपैरिजन दिया जिसमें गेनाडी और डेविन का सुपर मैच हुआ था, जिसमें गेनाडी को वो प्रेस नहीं कर पा रहे थे हुक बैटल में, और अगर डेनिस उनके जगह होते तो वो क्या करते। आइए सुनते हैं इनके थ्रू। सो ट्रेविस के अकॉर्डिंग तो डेनिस इजीली गेनाडी को हरा दिए होते, बट जबकि वो नहीं कर पाए, डेविन नहीं कर पाए। और डैडी केन ने भी यही बोला कि अभी डेनिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और मैं उन्हें नहीं हरा सकता हूं। और हमने भी एक पोल शेयर किया था जिसमें 72% लोगों ने ये कहा है कि डेनिस एप्लेनकोव ही जीतेंगे। तो हर जगह से डेनिस एप्लेनकोव की ही विनिंग की बात की जा रही है, डेनिस एप्लेनकोव ही जीतेंगे ऐसा सबको लग रहा है। और साथ ही साथ ट्रेविस ने ये भी कहा था कि जो लो हैंड ग्रिप लेते हैं डेनिस एप्लेनकोव, जो कि शायद से दिक्कत दे सकता है डेविन लेरार्ड को स्लिप करने में, बिकॉज डेनिस के फिंगर्स बहुत ही ज़्यादा थिक है, और अगर उन्होंने स्लिप नहीं किया तो मे बी चांसेस डेनिस के जीतने के ज़्यादा हो जाएंगे। बट अभी तो ये देखा जाएगा, बिकॉज आर्म रेसलर्स के लिए लो ग्रिप करना बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज काइंड ऑफ माना जाता है। बट ये मैच के दौरान मालूम पड़ेगा कि क्या डेविन स्लिप कर पाते हैं और स्ट्रैप में जा पाते हैं या नहीं। अगर वो स्ट्रैप में चले जाते हैं तो कुछ हमें टॉप रोल देखने मिल सकता है। और अभी तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये लग रहा था कि डेनिस जो है अपने 90% पीक के क्लोज आ चुके हैं, और उनका 90% जो है लेवान के प्राइम के नज़दीक है या उसी के आसपास है। बट कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने बोला कि डेनिस अभी 60-70% पे ही है। तो देखना ये है कि अगर डेनिस अपने 60-70% पे सही में है और अगर वो डेविन को हरा देते हैं तो क्या होगा। बट डेविन को हराना भी इतना आसान नहीं है, ये मैच के दिन मालूम पड़ेगा। बट इनकेस अगर वो हरा देते हैं और आगे जाके 2-3 सालों में अपने प्राइम पे आ जाते हैं, तो हो सकता है कि वो लेवान को भी चैलेंज करे और उनसे भी जीत जाए। और जाते जाते ट्रेविस ने एक और बात कही है, आप सुन सकते हैं। So, thanks for watching. Peace.